राजस्थान की 3 विधानसभा उपचुनाव में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करवाने वाली भीलवाड़ा जिले सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी ने रिकॉर्ड 42,200 वोटों के अंतर से ये सफलता हासिल की है। कुल 1,40,352 में से कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी को 81,700, भाजपा की डॉक्टर रतनलाल जाट को 39,500, आरएलपी के बद्रीलाल जाट को 12,231 और नोटा में 4,108 वोट मताए हैं। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सहानुभूति लहर डैमेज कंट्रोल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के साथ ही प्रभारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त धर्मेंद्र राठौड़ का चुनावी प्रबंधन के कारण कांग्रेस को ये जीत हासिल हुई है। नव निर्वाचित विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने कहा है कि ये जीत मेरी नहीं, जनता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी की तरह क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। हम सबको साथ लेकर सहाड़ा विधानसभा की मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हमारे जनता के लिए जो बाकी है काम वो करेंगे, अधूरे काम को पूरा करेंगे। ये जीत का असर तो जनता को ही मिलेगा ना। जनता हमारी बहुत भाव भी प्रेम से, और जनता हमारे एमएलए साहब की बहुत प्यारी जनता थी, और प्यार करके ही जनता ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में ऐतिहासिक जीत मनाई। 42,000 से इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत है, बस उन्हीं की जीत है। बीजेपी से डबल वोटों से जीता है। बीजेपी को डबल वोटों से, एमएलए साहब इतना ही स्नेह करते थे ना, इस वजह से उन्होंने बताया कि भाई हम कितना प्यार करते हैं एमएलए साहब से। जनता हमारा साथ दिया, और जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे ऊपर भरोसा रख के और हाथ के निशान पर वोट दिया। मैं जनता को आभार व्यक्त करती हूँ और स्नेह रखूँगी, जितना एमएलए साहब रखते थे वैसे ही मैं भी रखूँगी, और मैं उन्हीं के लिए न्योछावर करूँगी। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के संबंध में आज मतगणना शांतिपूर्वक निष्पन्न हो गई है। 17 तारीख को पूरे चुनाव शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से पूर्ण हुए, और आज मतगणना भी शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से पूर्ण हो गई। उसके लिए मैं सभी उम्मीदवारों को, सभी राजनीतिक दलों को, हमारे सभी पोलिंग अधिकारी, काउंटिंग अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, फील्ड स्टाफ, मीडिया के बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से हम इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, और विशेष करके कोविड के संक्रमण के मद्देनज़र रखते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करते हुए शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सफल हुए।